पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं, कि आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। कई सालों से दिल्ली में मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़ रही है, राज्य में मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ रही है, उसके लिए कुछ व्यवस्था करिए। करना कुछ है नहीं, और सिंपथी जुटाने के लिए कोई कोशिश कामयाब नहीं रहेगी। अभी जो दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता करनी है, तो आज दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, 30 लाख लाभार्थी ये लाभ से वंचित है, उसके लिए चिंता करिए। उसके लिए आप असेंबली का सेशन में चर्चा करिए। राज्य में आज 50% से ज़्यादा बेड भारत सरकार की सफदरजंग अस्पताल, एम्स, आरएमएल अस्पताल, डेडी हार्डिंग अस्पताल में है। आप आपके राज्य में बेड बढ़ाइए। आपके राज्य में जो बच्चे हैं उसका इम्यूनाइजेशन सभी यूटी के सापेक्ष में बहुत कम हो रहा है, उसको भी आप बढ़ाइए, उसके लिए भी आप चर्चा करिए। आज दिल्ली में टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, सारे देश में चल रहा है, उसमें भी दिल्ली का परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, उसके पर आप ध्यान दीजिए। आप दिल्ली में भारत सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 2400 करोड़ रुपया मंजूर करा है। हम कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं, ये पैसा दिल्ली की जनता के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने के लिए है, लेबोरेटरी बनाने के लिए है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए है। और ये पैसे के लिए आप एमओयू करने के लिए नहीं आते हैं, उसके लिए आप अपनी असेंबली में चर्चा करिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके स्टेट में करिए, ताकि राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। कई सालों से दिल्ली में मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़ रही है, राज्य में मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ रही है, उसके लिए कुछ व्यवस्था करिए। करना कुछ है नहीं, और सिंपथी जुटाने के लिए कोई कोशिश कामयाब नहीं रहेगी। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो जेल के अंदर हों, बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयां लेने जाए, उसे दवा मिले। मैं समझता हूं कि उनका निर्देश तो हमारे लिए भगवान की आज्ञा जैसा है, और इसके ऊपर युद्ध स्तर पे मेरा विभाग और मैं मिलकर कार्रवाई करेंगे। और मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सभी दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका मुख्यमंत्री चाहे जेल में है, मगर सोच वो सिर्फ आपके लिए रहा है, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए मुख्यमंत्री सोच रहे हैं।